खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। अगर हम कहते हैं सेक्युलर, अगर हम अपने आप को सेक्युलर कहते हैं चीमा साहब, फिर भी कैनॉट अपीज, बराबर होना चाहिए सबके लिए। मुसलमान गलती करे उसको टाइट करो, हिंदू गलती करे हिंदू को टाइट करो, दोनों में फिर फर्क नहीं हो सकता। और अभी फर्क करा है चीमा साहब, ये गलत है। मैं फिर कह रहा हूं, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, जो कहा गया बहुत गलत था, आई कंडेम इट, इट शुड नॉट बी डन, बट देन इट शुड बी इवन हैंडेड अप्रोच, बराबर तोलना चाहिए। और शाबाबूत महमूद खजरवी की तरह उस सोमनाथ के मंदिर को किनारे निकला है। क्लिप देखा, इसमें शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के कई बार विदेश मंत्रालय और कई डिफरेंट डिफरेंट पदों में रह चुके हैं, उनका बयान सुना। ये एक नॉर्मल सी चीज थी, ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि पाकिस्तानी हो या दुनिया के किसी देश के मुस्लिम हो, वो केवल वन साइडेड रिस्पेक्ट चाहते हैं। उनकी तरफ से आप रिस्पेक्ट की कोई भी उम्मीद ना करें। आपने देखा होगा, आपने मतलब अगर सोशल मीडिया में आप जब से हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि वो केवल वन साइडेड रिस्पेक्ट चाहते हैं। पाकिस्तान में तो एक कहावत भी बहुत मशहूर है, मैंने कई बार टीवी में सुनी है, कि तुम उनके झूठे खुदा को भी झूठा मत बोलो, ताकि वो पलट कर तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा ना बोले। ये बात मतलब तुमने झूठा बोलकर झूठे मतलब तुम उनके झूठे खुदा को झूठा मत बोलो, पहले ही तुमने झूठा बोल दिया, इंसल्ट पहले ही कर दी, उसके बाद आप समझ सकते हो। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं मेजर गौरव आर्य का, जो कतर और मतलब इसके पीछे मेन किस व्यक्ति की वजह से ये इतना मामला उछला है। भारत का एक है जुबैर नाम है उसका, मैं उसके बारे में लास्ट में बताता हूँ। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये। मैं ये मानता हूं कि सेक्युलरिज्म का मतलब इक्वालिटी ऑफ रिलीजन्स भी होना चाहिए, राइट? अगर हमारे देवी देवताओं के ऊपर, और पीपल लाइक द ओवैसी फैमिली, उनका भाई, जो हमारे देवी देवताओं के लिए पब्लिक में कमेंट्स करते हैं, वो आ जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, है ना? वो आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कि आप मतलब हमारे शिव जी हैं या प्रभु श्री राम हैं, आप उनकी बेइज्जती करेंगे और दिल खोल के बेइज्जती करेंगे तो वो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। और जाहिर सी बात है कि भारत का जो हिंदू है, सारी सेक्युलरिज्म का ठेका उसी के पास है, ही इज द कॉन्ट्रैक्टर, तो झेलेगा क्योंकि आपको बोला। लेकिन जब नुपुर शर्मा, और मैं नुपुर शर्मा को जस्टिफाई नहीं कर रहा, क्योंकि जो नुपुर ने करा है दैट कैनॉट बी जस्टिफाइड, सो लेट मी बी वेरी कैटेगोरिकल। लेकिन जब नुपुर शर्मा कहती है तो लोग कहते हैं सर काट दो इसका, नुपुर शर्मा का सर काट दो, इसका सर काट दो, उसका सर काट दो, तो ये गलत है। मुझे लगता है कि मुस्लिम्स हिंदूज को नहीं करना चाहिए प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ, और मुसलमानों को भी हमारे देवी देवताओं की इज्जत करनी चाहिए। मैंने खुद देखा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं उनका नाम भूल गया, अगर उनका नाम याद आएगा मैं शो में बताऊंगा उनका नाम। एक बड़े प्रोमिनेंट मुस्लिम वॉइस है जो टेलीविजन पे आते हैं, सफेद सा कुर्ता पहनकर आते हैं, घुंघराले बाल हैं, थोड़ा डार्क सा चेहरा, मैं भूल जाता हूं उनका नाम। उन्होंने लाइव टेलीविजन पे बोला जब राम जन्म मूवी की बात चल रही थी, ठीक है, अब हमारी आस्था जुड़ी है प्रभु श्री राम से, मेरी आस्था एज ए हिंदू जुड़ गया, वो टेलीविजन पे ये कह रहे हैं कि देयर वाज नोबडी कॉल्ड लॉर्ड राम, देयर इज नो प्रूफ, मेरे सामने मैंने देखा, उन्होंने बोल दिया, उनको किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई गुड्स के ऊपर कपड़ा नहीं रखा किसी ने, कुछ नहीं हुआ। मतलब एक कैजुअल कम्युनलाइजेशन है। मैं आपको पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल दे देता हूं। अभी 3 दिन पहले इमरान खान की स्पीच आई कि शहबाज शरीफ जब वजीर आजम बने तो हिंदुस्तान में ऐसा जश्न मनाया गया जैसे वो शहबाज सिंह होगा। खैर ये तो बड़ी छोटी सी बात है, इसको हम एज अ फन कमेंट हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हमारे देवी देवताओं को भी गालियां देना, उनकी गंदी गंदी तस्वीरें निकालना, उनकी नंगी तस्वीरें निकालना, ये बड़ा कॉमन है इंडिया में। और जो इंडिया का हिंदू है चीमा साहब, उसको पसंद नहीं आता। हम ये नहीं मानते, मैं आपको दिल से बताता हूं चीमा साहब, एंड आई एम टॉकिंग टू यू एज अ फ्रेंड, नॉट दैट वी आर हैविंग अ प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन, आई डू नॉट कंसिडर माय रिलीजन टू बी सुपीरियर टू योर रिलीजन। आई डू नॉट कंसिडर कि मैं हिंदू हूं और आप मुसलमान हैं तो मैं आपसे बेहतर हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई मुसलमान भी ये सोचे कि वो मुझसे बेहतर है क्योंकि मुसलमान है। आपका रिलीजन आपका पर्सनल मामला है, मेरा रिलीजन मेरा पर्सनल मामला है, वी कैन स्टिल बी फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त हो सकते हैं, हम लोग इख्तलाफात रख सकते हैं, हम लोग बहस कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक गुंजाइश है कि अगर मैं कभी इस्लामाबाद आऊं आप घर पे बुलाएं चाय के लिए, आप कभी नोएडा आए तो मैं आपको खिलाऊं कुछ यहाँ के लोकल खाने, मैं आपको ले चलूं, तो इतनी गुंजाइश होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों मजहब जो हिंदूज हैं और मुस्लिम हैं, आई थिंक देयर इज अ नीड टू रिस्पेक्ट द रिलीजियस फिगर्स ऑफ ईच। और मैंने
ठीक है, जो टीवी स्टूडियो पे बोला वो इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट मैंने एक बात नोट करी है चीमा साहब की मुस्लिम पक्ष से भी बहुत ज्यादा कम्युनल हेट्रेड आता है, और मैंने खुद देखा, मैं किसी की सुनी बात नहीं कर रहा, मैंने खुद देखा छोटी चीजें, जैसे मैंने आपको बताया वो टेलीविजन पे बोल रहा है इन अ कंट्री दैट इज 82-83% हिंदू, उसमें कह रहा है कि क्या प्रूफ है, कौन सा प्रभु श्री राम का बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है बताइए, उस जमाने में कहां बर्थ सर्टिफिकेट होते थे, ना आप जिनको इज्जत देते हैं ना उनका था, ना हम जिनको इज्जत देते हैं, किसी का भी नहीं था, ये तो फेथ की बात है ना, एक आपका अकीदा है एक हमारा अकीदा है, तो हम आपस में इज्जत देंगे तभी तो आगे चलेंगे, तो ये सब नहीं होना चाहिए ना हमारी तरफ से इन द सेंस कि ना हिंदूज की तरफ से ना मुस्लिम्स की तरफ से, और ये चीज बंद होनी चाहिए। मैं इसमें तो आपकी बड़ी जस्टिफाइड बात है कि कोई भी किसी को मजहब को भी किसी के खुदा को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए, किसी के मानने वाले को नहीं कहना चाहिए, और ये हमारे कुरान मजीद में भी मौजूद है, मैं सब ये मतलब ये अल्फाज मौजूद है मुझे, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी वेल, कि आप किसी के खुदा को बुरा भला ना, ठीक है, तो ये तो डेफिनेटली है, और ये कहना मतलब बस प्रॉब्लम ये है ना कि वो बहुत सारे लोग हैं जो बस ब्राउनी पॉइंट्स के लिए ये बातें कर देते हैं, नूपुर शर्मा ने भी ऐसे ही कर दी, अब उसका उनको नुकसान हुआ है, और बहुत सारे जो आप बता रहे हैं करते हैं तो डेफिनेटली उसका भी नुकसान होता है, और रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप अपना मजहब दीन रखें, लोगों का जो दीन मजहब है उसकी भी इज्जत करें, अदरवाइज तो फितना फसाद हो जाएगा, इस तरह तो निज़ाम नहीं चलेगा। मैं ये तो एक होगी सिचुएशन, हाउ डू यू सी द डिप्लोमैटिक डैमेज हैज बीन डन टू इंडिया, सुनने में तो ये भी आया कि इंडियन वाइस प्रेसिडेंट कतर में थे लेकिन वहां पर जो डिनर होस्ट होना था वो नहीं हो सका, बिकॉज जो ऑर्गेनाइजर्स थे जो जिन्होंने करना था डिनर उन्होंने कहा मुझे कोविड हो गया, तो डिप्लोमैटिक डैमेज कितना हुआ है, क्योंकि कभी इस तरह की जो चीजें हैं वो नहीं आई, फॉर इंस्टेंस खाना काबा के जो कस्टोडियन है होली मास्क से उनकी तरफ से भी आ गया, सबकी तरफ से आ गया, ईरान इवन के तालिबान सब बोल पड़े, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स आनी शुरू होगी, तो हाउ डू यू सी दिस इज दिस अ डिप्लोमैटिक डैमेज टू इंडिया? मुझे नहीं लगता कि ज्यादा डैमेज है, ये देखिए ना ये जो बड़े बड़े महल में रहते हैं ना सऊदी वाले या यूएई वाले, ये सच्चे मुसलमान बन के बड़े महल में नहीं रहे, इन्होंने इस्लाम पे बड़ा कॉम्प्रोमाइज करा है सब, है ना, तो जो भी है ये बात ये है ना कि ये मैनेजेबल है, फॉरेन ऑफिस इस पे काम कर रहा है, और आप देखेंगे 2 हफ्ते के बाद ये खत्म हो जाएगा मामला, परमानेंटली वाइप आउट हो जाएगा, और फिर थिंग्स विल बी, क्योंकि मजहब का मामला कभी परमानेंट नहीं रहता, मजहब का मामला कभी परमानेंट नहीं रहता, वो दिन चले गए जब और इंडिया हैज टेकन एक्शन, जो नुपुर शर्मा को और जो दूसरे थे जो सज्जन थे मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनके ऊपर ऑलरेडी एक्शन लिया है, हाँ जी, तो उनको उनके ऊपर एक्शन ले लिया है, अब जब उनके ऊपर एक्शन ले लिया है तो मुझे नुपुर का नाम इसलिए आता है ना कि नुपुर के जो चाचा है ना गौरव शर्मा, वो मेरा क्लासमेट है, तो इसलिए मैं नुपुर को तो गौरव मेरा क्लासमेट था डीपीएस में, डीपीएस आर के पुरम में, तो नुपुर ने मुझे बताया कि गौरव शर्मा है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा नुपुर का मुझे, और डिबेट्स पे भी आई हैं एक दो बार, कहने की बात ये चीमा साहब कि इंडिया हैज ऑलरेडी टेकन एक्शन, बट आई ऑल्सो वॉन्ट द मोदी गवर्नमेंट, मैं ये भी चाहता हूँ कि मोदी सरकार, चलिए आपने नुपुर शर्मा पे एक्शन लिया अच्छी बात करी आपने, राइट, पर जो शिव जी के लिए प्रभु श्री राम के लिए गलत करते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, अगर हम कहते हैं सेक्युलर, अगर हम अपने आप को सेक्युलर कहते हैं चीमा साहब, फिर भी कैनॉट अपीज, बराबर होना चाहिए सबके लिए, मुसलमान गलती करे उसको टाइट करो, हिंदू गलती करे हिंदू को टाइट करो, दोनों में फिर फर्क नहीं हो सकता, और अभी फर्क करा है चीमा साहब, ये गलत है, मैं फिर कह रहा हूं आई एम नॉट जस्टिफाइंग, जो कहा गया बहुत गलत था, आई कंडेम इट, इट शुड नॉट बी डन, बट देन इट शुड बी इवन हैंडेड अप्रोच, बराबर तोलना चाहिए, वो कहते हैं ना जस्टिस, वो जस्टिस की आंख में पट्टी होती है, बराबर तोलता है ना, तो अभी तक तो बराबर नहीं तोला, लेकिन बराबर तोलना चाहिए कायदे से, सभी को होना चाहिए, Everybody. अच्छा एक आखिरी बात आपसे मैं सब पूछूंगा, और वो ये है कि वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, और ये कहा जाता है कि बहुत सारी चीजें इंडिया में हो जाती हैं एंड प्राइम मिनिस्टर स्टेज साइलेंट, जिसकी वजह से एक मैसेज आता है कि जो मर्जी वो कर रहे हैं नीचे उनका जो फॉलोअर्स कर रहे हैं उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं दैट इज जस्टिफाइड एंड इट डजंट स्टॉप पीपल, सेम इज फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, यहाँ पे हमारे हैं उनकी पार्टी के लोग गालियां देते हैं मदीने में जाके, शहबाज शरीफ को गाली दी, सबको दी, वो खामोश रहते हैं, वो बोलते नहीं है, सो लेट पीपल डू, सो ये जो एक तासुर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इसके ऊपर बात करनी चाहिए,
डू यू थिंक ये एक जस्टिफाइड डिमांड है कि आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात कर दी तो दैट्स नॉट? आई थिंक इसका एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिस्पांस आया है चीमा साहब, मुझे लगता नहीं कि मोदी जी, सिर्फ इसलिए नहीं, मोदी जी का आपने और भी चीजों के लिए नहीं देखा होगा, इट्स नॉट दैट कि मुसलमानों की दिल आजारी हुई है इसलिए मोदी जी ने बोला कि अच्छा बहुत अच्छी चीज है मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा. आप मोदी जी के स्टेटमेंट्स बहुत कम देखेंगे, बहुत कम देखेंगे. वो एक्चुअली क्या है कि, माफ कीजिएगा मैं ऐसा कोई मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वो ऐसा नहीं है जैसे कि इमरान खान का है कि रोज ना रोज कोई इंटरव्यू हो रहा है, या जैसे CNN, BBC, अल जजीरा, टर्किश TV, ऐसा नहीं है. एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया इज वेरी 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 लिमिटेड. मतलब कि कोई मिल गया तो मिल गया, किस्मत की बात है. यू डोंट सी हिम, मतलब आप उनके प्रोग्राम्स टेलीविजन पे देखेंगे लेकिन वो खुद बात कर रहे हैं किसी के, इंटरेक्शन वो बहुत कम है. और ये आज से नहीं है, ये 2014 से जब से मोदी जी हैं तब से ऐसा है. इवन व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर गुजरात, एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स है, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स हो गया है. जिसके खिलाफ जो करना था वो कर दिया है, जिसके खिलाफ. और मैं आपको बताता हूं ना कि मैं फिर आपके प्लेटफॉर्म से, जो भारत में उलेमा हैं, जो मौलवी हजरात हैं, बड़े बड़े नाम हैं इंडिया में भी, मैं एक एक एक, एक, एक साहब हैं लखनऊ के, मैं उनको जानता नहीं, कभी मैं उनसे मिला नहीं. ही इज अ मुस्लिम जेंटलमैन, उनका नाम है रिजवान अहमद. रिजवान अहमद साहब, मैं लखनऊ गैस कर रहा हूं क्योंकि उनकी उसकी उनकी उनकी जबान ऐसा है कि उनको लगता है कि वो लखनऊ के, कानपुर के, इलाहाबाद के आसपास के हैं, तो ये मेरा गैस है. रिजवान अहमद साहब, मैं उनसे कभी मिला नहीं. उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी अपने वीडियो पर, उन्होंने बोला कि भाई बराबरी की बात. और उन्होंने जो मुस्लिम समाज था, उन्होंने मुस्लिम समाज को भी बोला कि देखो यार बात यह है ना कि आप क्रिटिसाइज करते हो. उन्होंने बोला कि मीम बना के दिए, इतने गंदे गंदे मीम बना के दिए, विच वर बिफोर नूपुर शर्मा केस, ना नूपुर शर्मा के केस के पहले मीम बना के दिए और इतने गंदे, ये रेगुलरली कि ये बुत परस्त हैं. आपको पता है शिवलिंग के ऊपर एक यूरिनेशन का केस आया, किसी ने किसी ने पेशाब कर दी. ये मैंने खुद देखा अपनी आंखों से ना, मतलब आई सॉ द दिस थिंग एंड ऑल दैट. तो ये गलत चीजें हैं, तोड़ फाड़ करना, ये करना, दिस इज रॉन्ग. और ये जो केस था, आई थिंक दिस वॉज इधर एक जगह है यहाँ पे, ऑन द वे टू डासना करके एक जगह है, वहां पे किसी का इंटरव्यू था. मैंने इंटरव्यू में सुना, कोई उसकी गवाही दे रहा था, तो मतलब आई हैव नॉट सीन द एक्ट मायसेल्फ, बट वो कह रहा था कि मेरे सामने हुआ है, डासना में एक मंदिर है वहां पे. तो मेरा ये कहना है कि चीमा साहब, ये जो गाड़ी चलेगी ना भारत की, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट से चलेगी. और मैं कतर को भी, अगर कोई सुन रहा है कतारी, अगर समझ सकता है हिंदी उर्दू, तो उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तरफा चीजें ना बोलें आप. इट्स वेरी इजी एक तरफा, हर समय दो तरफा, दोनों तरफ का बयान देख के एक जस्ट रिस्पॉन्स, एक जुडिशियस रिस्पॉन्स होना चाहिए. हम आपकी इज्जत करें, आप हमारी इज्जत करें, तभी गाड़ी बढ़ेगी. और इंडिया में चीमा साहब, लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू से ना, इंडिया में ये जो लेफ्ट वाले हैं ना, जो कम्युनिस्ट हैं इंडिया में, आप इनको ना सीरियसली ना लिया करें. दिस पीपल आर यूजलेस, ये कभी चुनाव नहीं जीत सकते, दे कैन नेवर विन एन इलेक्शन. ये ऐसी साइडलाइंस में पड़े रहते हैं, जहर फैलाना इनका काम है, फैलाने दे, दे कैन डू व्हाटएवर दे विश. ये हर चीज का फायदा उठाते हैं जहां पे. तो दोस्तों ये वीडियो यहां पर होता है खत्म. आपने देखा, पाकिस्तान हो या भारत हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो या अफगानिस्तान हो, इन देशों के मुसलमानों की सोच बिल्कुल एक सी है. आप देख सकते हो, आप देखिए, ध्यान से समझिए. अब आप देखिए कि अभी जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें मतलब सब कुछ पता है. अगर आप कभी मथुरा गए हो, कभी आप काशी गए हो, आप देखेंगे मतलब एक टेंपल की दूसरी दीवार में मतलब मस्जिद है और दूसरी तरफ बड़ा टेंपल है. मतलब सब कुछ साफ दिखता है कि ये कैसे बनाई गई होगी. और ऐसे भारत के कई मतलब पुराने टेंपल हैं जिसके सामने मस्जिद है या उसके ऊपर मस्जिद है. मतलब सब कुछ पता है. अब उसके बाद क्या है, आपको पता है कि एक मतलब एक झूठ फैलाया जाता है कई चीजों को लेकर, कि ये वो फलाना ठिकाना, मतलब फेक टाइप की स्टोरी बना दी जाती है सोशल मीडिया पर, और भगवानों के नाम पर बहुत झूठ फैलाया जाता है. अब इतना ज्यादा क्या है कि आपको भी पता है कि कई लोग तो जैसे हिंदू है, मैं हिंदू हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि यार चलो ये उल्टा सीधा बोल रहा है, इसकी सजा इसको भगवान दे देंगे, जैसा इसके मन में नफरत है इसकी सजा वही डिसाइड कर लेंगे. लेकिन अब ऐसा होता है कि कई बार हद पार हो जाती है. तो हद पार हो जाती है, वैसे ही कुछ सीन हुआ नूपुर शर्मा के साथ डेविड में,
सिबलिंग को फव्वारा बताया गया, बहुत सारे उल्टे सीधे, मतलब आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर किस तरीके की पिक्चर फोटोशॉप करके क्या क्या बताया गया और क्या क्या मतलब यूज किए जाते हैं वर्ड, तो समझ सकते हो आप। तो फिर सामने वाला बंदा भी अग्रेसिव हो सकता है, लेकिन नूपुर शर्मा ने जो कोट किया वो एक्चुअली में जो कुरान में लिखा वही बात बोली, बस उन्हें रिप्लाई में बोली जिस तरीके से वो इंसल्ट कर रहे थे, सामने वाले को लगा कि इंसल्ट कर रही है, लेकिन उन्होंने सच्चाई बताई। लेकिन ये सब प्रोपेगेंडा भारत के ही मुसलमान चाहते हैं कि भारत का दुनिया में नाम खराब हो, भारत की जिस तरीके से अर्थव्यवस्था जा रही है वो नीचे जाए, अरब कंट्री में भारत के रिश्ते खराब हो। मैं ये क्लियर कट कहना चाहता हूँ, ये सच है। इसके पहले भी कई बार ऐसी कोशिश की गई है कि अरब में भारतीय प्रोडक्ट का बायकॉट किया जाए, स्पेशली भारत के मुसलमानों के द्वारा, उसमें पाकिस्तान के मुसलमान भी आ जाते हैं, क्योंकि वो सब एक ही हैं, आप माने ना माने। और कोई अगर ये मुस्लिम ये वीडियो देख रहा है तो मैं प्रूफ कर सकता हूँ, मैंने कई बार देखा। अब जुबैर आप देखते देखा होगा आपने, आल्ट न्यूज नाम से एक फैक्ट चेकिंग, मतलब एक वो फैक्ट चेक करता है, वन साइडेड फैक्ट चेक करता है, अगर वो मतलब हिंदुओं के अगेंस्ट हो और वो स्पेशली ऐसा कुछ मुस्लिम जहां पिट रहा हो तो वो वहीं पर आ जाएगा फैक्ट चेक करने, और ऐसा कुछ सीन हो जहां पर मतलब कुछ मुस्लिमों ने गलत किया हो मुसलमानों ने, तो वो फैक्ट मतलब वहां पर उसका चेक नहीं होगा। तो वो आप समझ सकते हो अच्छा खासा इसमें इंफॉर्मेशन वॉर है, और इंफॉर्मेशन वॉर में इंडिया के मुसलमान भारत के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ये सच है, माने ना माने आप देख लेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और ये कतर अगर कुछ भी करेगा, आपको भी पता है कि भारत जब अमेरिका के सामने ना झुका, चीन के सामने ना झुका, तो ये अरब कंट्रीज हमारे इतने अच्छे रिश्ते हैं, हम उसको इतने मतलब